अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ढेर सारे लोगों ने पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुझे सालगिरह मुबारक का पैगाम भेजा। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी टच, थैंक यू सो मच। कल से लेकर आज तक रात पूरी भर सोशल मीडिया पे ये तबसरा जारी रहा है कि जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर पीटीएम और फ़ौज के दरमियान कुछ तसादम हुआ है वो किस नौयत का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक मिनिस्टर ऑफ़ द नेशनल असम्बली अली दावर जो हैं वो मोहसिन दावर जो हैं वो क्यों हमला करें किसी चेक पोस्ट पर वगैरह वगैरह। इस वक्त मुकम्मल तौर पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज़ बंद हैं, लिहाजा हमें वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जो कुछ आपने सुना है और पढ़ा है अखबारात के अंदर और मीडिया के अंदर, तकरीबन वही कुछ मैंने भी पढ़ा है और सुना है। लिहाजा मैं कोई मखसूस वाक़े के हवाले से बात नहीं करूँगा, ना मैं कर सकता हूँ ना मैं इस पोजीशन में, क्योंकि जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप तो वाक़े पर मौजूद नहीं थे तो आप इस पर किस तरह बात कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है। बात यह कि जब हम कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया पे या कोई इमेज लगाते हैं या कोई मीम लगाते हैं, तो मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग जो है ना वो हमारी बात के तमाम पहलू को समझ नहीं पाते। वो एक पहलू को समझ लेते हैं और उसी पे वो तनकीद शुरू कर देते हैं, मगर मैं सोशल मीडिया पे चीज़ों को उनकी मुकम्मल कम्प्लेक्सिटी में पेश करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। मगर जब मैं लेक्चर्स वगैरह करता हूँ और लोगों से इस तरह कम्युनिकेट करता हूँ तो फिर मुझे मौका मिलता है कि मैं जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो तमाम पहलू सामने रख के जो है बात कर सकूँ। और मैंने देखा कि उसमें लोग कन्विंस भी ज़्यादा होते हैं और बात को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो वाकया हुआ है इसके हवाले से भी एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए और अपना मौक़िफ़ जो है, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और अपना ज़ाती मौक़िफ़ भी वो आप के सामने रखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इसमें, जितने भी अफराद जो हैं वो इसके अंदर अपनी वो जाँ बहक हुए हैं, तो उनकी फैमिलीज़ के साथ हम कंडोल करना चाहेंगे। पीटीएम के लोग हैं या वो फ़ौजी अहलकार हैं या जो कोई भी, या कोई इनोसेंट बाईस्टैंडर्स, जितने भी लोग हैं जहाँ पे भी किसी की जान जो है वो ज़ाया होती है इस तरह से कोई हलाक हो, तो वो एक दर्दनाक वाक़या है और हर फैमिली को उसका दर्द जो है ज़ाहरी बात है महसूस होता है। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि दोनों इसमें आप जानते हैं कि एक फ़ौजी अहलकार ने भी अपनी वो भी जहाँ बहक हुआ है और गालिबन शायद 3 पीटीएम के लोग भी जहाँ बहक हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कई किस्म की इंजरीज आई हैं। मीडिया में तो ये लिखा गया है तकरीबन 45 ऐसे लोग हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और इस तरह की चीज़ें सारी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हों। तो मगर जो वाकया है उस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। वो मेरा ख्याल है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मौक़िफ लिया, उन्होंने ये कहा कि देखें जी यू नो सिक्योरिटी फोर्सेज और पी टी एम के दरमियान इस तरह की कोई झड़प वगैरह हुई है तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पार्लियामेंट जो है वो एक बॉडी बनाए, एक पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बनाए और वो जाके पता करे कि क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन नहीं। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एडवाइस क्योंकि यू नो कोई न्यूट्रल पार्लियामेंट्री बॉडी वहाँ पर जाए और सिचुएशन का जायज़ा ले तो ये इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, तो आई सपोर्ट दैट रिकमेंडेशन। तो जो वाकया है क्योंकि उस पर तो बात नहीं की जा सकती, मगर जो वाकये का सियासी पस मंज़र है, समाजी पस मंज़र है, जो तारीख है, उस पर बात की जा सकती है और मैं चाहता हूँ कि उसी पर हम बात करें। तो बात यह है कि काफ़ी अरसे से आप जानते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उस इलाके के अंदर बहुत ताकतवर कुव्वत बन के सामने आई, बल्कि ना सिर्फ उस इलाके के अंदर, हमने ये देखा कि उन्होंने लाहौर में भी रैली की, कराची में भी रैली की और भी कई जगह रैलीज़ वगैरह की और वहाँ पर भी बहुत सारे जो पश्तून आबादी है उन्होंने आके उनको सपोर्ट किया। तो और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये बयानियाँ भी मौजूद है कि लोग कह रहे हैं कि ये जी अफ़गानिस्तान की बैक तंजीम है या इंडिया की बैक तंजीम है और बाहर से ये लोग पैसा लेते हैं और ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। अब इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक सेकंड के लिए कि मैं इस बात को कबूल कर लेता हूँ कि बाहर से उनको इमदाद मिल रही है, फ़र्ज़ करें मैं इस बात को कबूल करता हूँ, मगर इस बात को आप भी कबूल करें कि जो आम लोग
پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسوں وغیرہ کے اندر جاتے ہیں وہ تو کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے ہی وہاں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو تو کوئی باہر سے پیسے نہیں دیے جا رہے کہ بھئی آپ اس ریلی کے اندر جائیں نہ ان کو وہاں ریلی میں وہ کوئی پیسے دے رہا ہے کہ بھئی آپ اس ریلی کے اندر جو ہے وہ تشریف لے کر آئیں تو وہ کوئی گریوینس لے کے جا رہے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے جو وہ لے کے جا رہے ہیں جو وہ حل کروانا چاہتے ہیں اس مسئلے کو پی ٹی ایم کے لیڈران نے جو ہے نمایاں کیا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈھیر ساری عوامی حمایت بھی حاصل کی ہے ورنہ پاکستان میں کئی ایسی تنظیمیں آپ بھی جانتے ہیں کئی ایسی تنظیمیں جو مختلف ایشوز پہ کام کرتی ہیں اور ان ایشوز پہ کام کرنے کے لیے باہر سے پیسہ بھی لیتی ہیں ٹھیک ہے مثال طور پہ بہت سارے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں کچھ ویمنس رائٹس پہ کام کرتے ہیں کچھ مائنورٹی رائٹس پہ کام کرتے ہیں کوئی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں کوئی گلیاں ٹھیک کراتے ہیں کوئی ہیلتھ کیئر پہ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر محض باہر سے پیسے لینے سے کوئی بہت اتنی بڑی تحریک نہیں بن جاتی جس کے جلسوں کے اندر 30,000, 40,000, 50,000 لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں آفٹر آل آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی پاکستان کا این جی او جو ہے وہ 30,000, 40,000, 50,000 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتا اور یہ وہ این جی اوز کی میں بات کروں یہ لیگلی پیسے لے رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض حکومت جو ہے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور وہ رجسٹرڈ پیسے لے رہے ہیں اور ان ایشوز پہ وہ کام کر رہے ہیں مگر وہ اتنے لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے تو محض کسی سے پیسے لینے کی بنیاد پہ آپ 30,000, 40,000, 50,000 لوگوں کو کسی جلسے کے اندر کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں کر سکتے انلیس کہ 30,000, 40,000, 50,000 لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو جو کہ وہ سامنے جس کے حل کی تلاش میں وہ لوگ نکلے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ ہے جس کی حل کے لیے یہ لوگ جو ہیں پی ٹی ایم کی قیادت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ڈھیر سارے لوگ دے رہے ہیں اور وہ عام جنتا ہے نا جنتا کا لفظ ہندی کا ہے مگر وہ عام عوام کے لوگ ہیں نا وہ عام پبلک ہے وہ کوئی باہر سے میں نہیں سمجھتا آئے ہوئے لوگ ہیں میں تو خود ان میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کا جو لاہور جلسہ ہوا وہ میں نے اٹینڈ کیا اور وہ لاہور کے ہی جو اندر پشتون لوگ کام کرتے تھے وہی وہاں پہ موجود تھے نظر آ رہا تھا پتہ چل رہا تھا تو دیکھیں جی پی ٹی ایم نے نا 6 ڈیمانڈز ریز کی میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان ڈیمانڈز کو ذرا دیکھیں کیونکہ مین جو انہوں نے ایجنڈا جو سامنے رکھا ہے نا جس کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اس کو بھولنا نہیں چاہیے وہ سامنے رکھنا چاہیے وہ کیا ہے نمبر ایک ڈیمانڈ وہ یہ کرتے ہیں کہ راؤ انوار جو ہے وہ پولیس آفیسر جو تھا جس نے وہ نقیب اللہ محسود کا قتل کیا تھا الیجڈ قتل کیا تھا اس کو جو ہے وہ پنش کیا جائے اس کے خلاف قانونی کاروائی وغیرہ کی جائے میرا خیال ہے آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ صرف پشتون تحفظ موومنٹ کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی انفیکٹ پورے سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نقیب اللہ محسود کا جو قتل ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور یہ اگر ایک فالس انکاؤنٹر کے لیں گے تو راؤ انوار کو اس کی سزا دی جائے یہ ہر جگہ بات کی جا رہی تھی صرف پی ٹی ایم والے نہیں کر رہے تھے تو اس میں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جس پہ ہمیں جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ یہ کوئی اینٹی پاکستان بات ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں جہاں پہ جس میں یہ پتہ چلے کہ وہ تمام لوگ جن کا ایکسٹرا جوڈیشل قتل ہوا ہے بشمول نقیب اللہ محسود اور اس طرح اور لوگ اس کے حوالے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے اب ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب ہوتا ہے ریکنسیلیٹ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مزید اشتعال میں لے کر آئے تو وہ سچائی کے ذریعے آپ ریکنسیلیشن کریں اور سچائی میں دونوں طرفہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو کہ ملٹری آپریشنز میں مارے گئے وہ دہشت گرد تحریک کے اندر شامل تھے اور کچھ لوگ جو مارے گئے وہ انوسنٹ بائی اسٹینڈرز ہوں گے ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا ملٹری آپریشن ہوا تو کس طرح سے ریکنسیلیشن کس طرح سے پیدا کی جا سکتی تو میں سمجھتا ہوں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پارلیمنٹری اوور سائٹ میں اگر بنایا جائے تو یہ نہ تو کوئی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے نہ ہی میں اس کو اینٹی پاکستان ڈیمانڈ سمجھتا ہوں ایز سچ کیونکہ یہ ایک لیگل ڈیمانڈ ہے اور لیگلی ہی اس کو کیا جانا کرنا پڑے گا نا پارلیمنٹ ہی اس کو آرڈر کر سکتی ہے اچھا تیسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے دا مسنگ پرسنز ہو آر امپریزنڈ ایٹ ان نون پلیسز مسٹ بی ٹرائیڈ ان کورٹ آف لا ٹھیک ہے جی کہ جتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے گمشدگی کے واقعات ہوئے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجرم کو عدالت میں یا ملزم کو عدالت میں پیش کرنا جو ہے وہ کوئی اینٹی پاکستان ڈیمانڈ ہے یا یہ بھی کہ وہ کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ ہے دیکھیں ملٹری آپریشن میں یہ لازمی بات تھی کہ وہاں پہ لوگوں کے فوج نے جب دہشت گردوں کو وہاں پہ ختم کرنے کی کوشش میں شریک تھے تو اس وقت بہت سارے انوسنٹ لوگ
ڈیفینیٹلی اس کی زد میں اس لڑائی کی زد میں آئے ہوں گے. دہشت گرد بھی وہاں سے اٹیک کر رہے تھے, فوج بھی وہاں سے اٹیک کر رہی تھی, دونوں قوتوں کے درمیان جو تصادم تھا اس کے نتیجے میں ڈھیر سارے انسنٹ لوگ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے وہ مارے گئے ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں کو سسپیشنس پہ اٹھا لیا گیا ہوگا. طالبان بھی اٹھاتی ہے لوگوں کو سسپیشن پہ, کہتی رہی کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ ریاست کا ایجنٹ ہے, اٹھا لیا, کئی لوگوں کو کڈنیپ وغیرہ کیا. اور اگر فوج کو بھی کسی پہ شک تھا ہوگا تو ان کو, آپ کو پتہ ہے کہ فوج نے بھی اس علاقے سے اٹھایا ہوگا. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ابھی بھی, اور بہت سارے لوگ, پی ٹی ایم کا یہ دعویٰ ہے اور بھی سول سوسائٹی کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں مگر جو آرمی کی کسٹڈی کے اندر موجود ہیں, ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے. سو آئی تھنک دس از ناٹ اے, یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جس کو اینٹی پاکستان کہا جا سکے یا ایون انکانسٹیٹیوشنل کہا جا سکے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ لینڈ مائنز جو ہیں وہ پشتون ٹرائبل ایریاز کے اندر سے ریموو کیا جائے, کی جائیں, اور یہ فوج نے بھی اس بات کو قبول کیا, اور یہ بھی, اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ بہت ساری لینڈ مائنز کو ہم نے ریموو کر دیا ہے اور مزید ہم ان کو ریموو کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی لینڈ مائنز کا بڑا میجر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لینڈ مائنز جو ہے نا وہ آتے جاتے لوگوں کو بھی جو ہے نا بری طرح سے متاثر کر سکتی ہیں, اس میں یو نو پیپل کین ڈائی ایز اے کانسیکوینس آف لینڈ مائنز لائنگ اراؤنڈ. تو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی ڈیمانڈ, اور جنرلی بھی ویسے بھی اب کنونشن یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کسی سول ملیشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں, کسی سول علاقے میں لڑ رہے ہیں, تو وہاں پہ لینڈ مائنز کی پلیسنگ تو ہونی ہی نہیں چاہیے, بالکل ایبسولوٹلی نہیں ہونی چاہیے. اور بائی دی وے یہ صرف فوج کی طرف سے نہیں الزام بنتا, ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ طالبان نے ڈھیر ساری لینڈ مائنز اس ایریا کے اندر لگائی ہیں, تو ان سب کو کلیئر کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومت اور ریاست پاکستان کا فرض ہے. طالبان نے تو نہیں کلیئر کرنی نا اس علاقے کے اندر سے. تو یہ بھی کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے ایسا جس کے ہمیں مخالفت کرنی چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے اور ٹارچر ہے, پورے پورے پنڈوں کو اڑا دیا جاتا ہے اور کئی کئی ٹرائبس کو اپنے ایریا سے ڈسلوکیٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو روک ختم کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ ایک ولیج کے اندر سے 10 دہشت گرد ہیں, وہ کسی آرمی چیک پوسٹ پہ حملہ کرتے ہیں, تو پورے ولیج کو اس کی سزا نہ دی جائے, ان 10 لوگوں کو جو ہے سزا ضرور دی جائے. میرا خیال ہے یہ بالکل لیجیٹیمیٹ بات ہے, کیونکہ جب آپ کلیکٹیو پنشمنٹ کرتے ہیں, فرض کریں کہ ایک پنڈ سے 10 لوگوں نے آپ پہ حملہ کیا, آپ پورے پنڈ کو اس کی سزا دے دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پنڈ کے اندر سے اور لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ملٹنسی کا ساتھ دیتے ہیں, جو کہ پھر ٹیررسٹوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو ایکچولی میرا خیال ہے یہ ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو, وہ اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ جب آپ کوئی آپریشن کریں تو وہ بڑا سرجیکل ہونا چاہیے, صرف اور صرف دہشت گردوں کو آپ اٹیک کریں, اور جب آپ دہشت گردوں کو اٹیک کریں, اگر آپ ان کو کیپچر کریں تو ان کو کورٹ کے سامنے پیش کریں, پروف کریں کہ واقعی انہوں نے وہ کرائم وغیرہ کمٹ کی ہے, اور کسی قسم کی جو جنیوا کنونشنز ہیں آرمڈ کانفلکٹ کے جو ایک لوازمات ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جو جنیوا کنونشنز کے جو لمیٹیشنز ہیں آرمڈ کانفلکٹ پہ, وہ ہمارے دین کے اندر بھی مینشنڈ ہیں. دے آر آلسو مینشنڈ ان دا کانٹیکسٹ آف جہاد کہ آپ انیسنٹ سویلینس کو, انیسنٹ بائی اسٹینڈرڈس کو, نان کمبیٹنٹس کو نہیں مار سکتے. یہ بڑی کلیئر اور واضح بات ہے, اور میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ اگین اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہو یا اینٹی پاکستان. آخر میں وہ یہ کہتے ہیں, چھٹی ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آرمی چیک پوائنٹس پہ جو ہے نا لوکلس کو بڑا ذلیل کیا جاتا ہے, ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے. اور تو ایک تو منیمم ڈیمانڈ تو ان کی یہ آبویسلی کہ بھائی چیک پوائنٹس ریڈیوس کیے جائیں, کچھ لوگ ان میں سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آل ٹوگیدر ختم کر دیے جائیں, یا ایٹ لیسٹ اگر وہاں چیک پوائنٹس ہو تو اس میں ہیومیلیٹ نہ کیا جائے لوگوں کو, طریقے سے پیش آیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف آبویسلی سیکیورٹی نیڈس ہیں, ایکسٹریمزم کے خلاف لڑائی ہے, تو شاید مکمل طور پہ چیک پوائنٹس ختم کرنا تو بڑا مشکل کام ہو, مگر یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ڈفرینٹ ہو جائے, چینج ہو جائے, لوور ہو جائے, تو وہاں پہ بہت زیادہ اگر سیکیورٹی کو استعمال کیا جائے, چیک پوائنٹس اگر زیادہ لگائے جائیں, اور اس کے نتیجے میں اگر پاپولیشن آپ کے خلاف ہو جائے, تو وہ بھی ان عزائم کو چیلنج کرتا ہے, اس کے ان کو کنٹرڈکٹ کرتا ہے جو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر ایک قوت ہے طالبان, ایک دہشت گرد ہیں, وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک علاقے کے اندر جو ہے نا انکوسٹ کر لیا, انہوں وہ علاقے کے اندر گھس بیٹھے,
उनको उनको वहाँ से निकालना है आपने, उनको आपने एलिमिनेट करना है। अब अगर वो लोकल पॉपुलेशन के साथ जुड़ गए हैं तो आपने उनको लोकल पॉपुलेशन से अलहदा करना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उनको लोकल पॉपुलेशन से अलहदा नहीं करते और पूरी पॉपुलेशन को जो है ह्यूमिलिएट, पूरी पॉपुलेशन ऐसे महसूस करना शुरू हो कि हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है और एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ इट, और अगर आप इसका मतलब ये कि अगर आप पब्लिक सपोर्ट लूज़ कर जाएँ मिलिट्री ऑपरेशन में, तो इसका मतलब है कि आप तालिबान को एक ओपन फील्ड दे रहे हैं, आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं, आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इवन जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो नुकात हैं इस पे गौर करने की ज़रूरत है, इवन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को गौर करने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं तो ऐसे समझता हूँ कि अगर मिलिटेंसी को और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना है तो ये जो छः नुकात उन्होंने बयान किए हैं ये बड़े अच्छे नुकात हैं इस मकसद के लिए कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको आप पॉपुलेशन से अलहदा करें, आइसोलेट करें, पॉपुलेशन को विन ओवर करें, पॉपुलेशन ना मिलिटेंसी की तरफ जाए, पॉपुलेशन जो है वो ये कह के ये मिलिटेंट्स जो हैं इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हुई है, ना कि ये कि पाकिस्तान के पाकिस्तान की वजह से या पाकिस्तान की उन एफर्ट्स की वजह से जो मिलिटेंसी को ख़त्म करने की कोशिश करें उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तैयार ख़राब हुई है। तो ये बड़ा डेलिकेट किस्म का मामला है, और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम डंडा चलाएं, अगर रियासत पाकिस्तान डंडा चला दे और परसेप्शन ये बन जाए कि रियासत पाकिस्तान जो है वो पश्तूनों को एज अ होल कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, या फाटा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, या विलेजेस को पर कलेक्टिव पनिशमेंट कर रही है, तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग जो है ना वो क्या कहना चाहिए, तालिबान की ग्रिप में आ सकते हैं और एक्सट्रीमिस्ट की ग्रिप में आ सकते हैं। तो मैं तो इन छः नुकात को बिल्कुल और उलट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि इन छः नुकात पे अगर अमल किया जाए तो पीटीएम को एक साइड पे आप रखें, इन छः नुकात के नतीजे में पॉपुलेशन जो है और वो मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमिज़म से दूर होगी। तो इस बुनियाद पे भी इन छः नुकात को एक्सेप्ट किया जा सकता है और इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो ये कहते आ रहे हैं, और गलत नहीं है, वो ये कहते आ रहे हैं कि जी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने एथनिक कार्ड प्ले किया है, और वो ये कहते हैं आ रहे हैं कि देखें जी उनकी रैलीज़ वगैरह के अंदर बहुत सारा ऐसा रेटरिक है जो पंजाबियों के ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ़ कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नहीं, वो बैसीत मजमू तमाम पंजाब और पंजाबियों वगैरह के ख़िलाफ़ है। और बहुत सारे लोग जो ये तनकीद कर रहे हैं, अब वो लोग हैं जो शुरू में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की हमायत भी कर रहे थे, बल्कि अब वो ये कहते हैं कि नहीं, इस किस्म की जो रेटरिक है, इस किस्म की जो बातचीत है, इस किस्म की रेसिज़म भी का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया, इसको हम कबूल नहीं करते। और फिर तरक्की पसंद लोग भी मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी आप तो लेफ्टिस्ट हैं, आप तो किसी लेफ्टिस्ट जो है वो तो तमाम इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो किसी एक मखसूस कौम के लिए तो नहीं काम करते, किसी एक मखसूस एथनिक ग्रुप के लिए भी नहीं काम करते, किसी एक मखसूस मजहबी ग्रुप के लिए भी नहीं काम करते, वो तमाम दुनिया भर के मेहनत कशों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, चाहे कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी उसके जल्द का जो भी मर्जी रंग हो, तो वो तमाम दुनिया भर के मेहनत कशों को इकट्ठे करने की हम तो बात करते हैं। तो फिर लोग भी पूछते हैं फिर आप इन चीज़ों को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं जब पीटीएम जो है वो तो सिर्फ़ एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं कर रहे, तो आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और आपको क्यों इसकी हिमायत कर रहे हैं। तो मैं इसलिए भी ये वाज़े करना चाहता हूँ कि देखें उनका जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो नैरेटिव है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पश्तून आइडेंटिटी के इर्द गिर्द नैरेटिव उन्होंने बनाया, ठीक है, एक एथनिक आइडेंटिटी कह लें, उसको नेशनल आइडेंटिटी कह लें, बट बहरहाल वो एक पश्तून आइडेंटिटी के इर्द गिर्द नैरेटिव तो है। और मैं तो पश्तून नहीं हूँ, या चले मेरे एंसेस्टर्स थे कुछ जो मदर साइड से जो पश्तून थे, मगर मैं तो पश्तून पंजाबी मिक्स हूँ, तो और मैं लाहौर में हूँ, तो फिर मैं किस तरह उनकी हिमायत कर सकता हूँ। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि मेरा नैरेटिव जो है ना वो किसी, और हमारी पार्टी का नैरेटिव जो है ना वो किसी एक मखसूस रिलीजियस ग्रुप या किसी मखसूस एथनिक ग्रुप के हवाले से नहीं, हमारा नैरेटिव तो दुनिया भर के मेहनतकशों के हकूक़ के हम बात करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान में तमाम कौमों के और मज़ाहिब के जो लोग रहते हैं उनके हकूक़ की बात करते हैं बिला इम्तियाज़। मगर जब किसी के साथ कोई नस्ल की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे,
उनके मज़हब की बुनियाद पे, उनकी कौमियत की बुनियाद पे, उनकी लैंग्वेज की बुनियाद पे किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही हो, तो फिर हम समझते हैं कि इसको हम नेशनल ओप्रेशन या जेंडर ओप्रेशन भी कह सकते हैं। फिर हम समझते हैं कि उस मखसूस किस्म की ओप्रेशन के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का ये मतलब नहीं है कि हम वो तमाम नैरेटिव एक्सेप्ट कर लें जो कि एक एथनिक नैरेटिव हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मैंने कभी एडवोकेट नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी कभी एडवोकेट नहीं किया कि हम कोई एक एथनिक नैरेटिव उठा लें। हमारा नैरेटिव सोशलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है और तमाम इंसानियत के लिए है और रहेगा। मगर जहाँ तक इन छः नुकात का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि ये छः नुकात इस किस्म के नुकात हैं जो कि कोई एथनिक कार्ड प्ले कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? इन छः पॉइंट्स के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो ये कह रहा है कि हम पंजाबियों से नफ़रत करते हैं या हम सिर्फ पश्तूनों की बात करते हैं। ये छः नुकात जो हैं फाटा के लोगों के हवाले से हैं और मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक हैं और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं, कोई एंटी डेमोक्रेटिक बात नहीं। और मैं समझता हूँ इन छः नुकात को अगर हम एड्रेस करने में कामयाब हो जाएँ तो फिर पश्तूनों के दरमियान और पंजाबियों के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बजाय कम होगी, और ये बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन जहाँ पे कोई तहरीक एथनिक बेसिस पे ही हो चाहे वो, मगर कोई ऐसी डिमांड्स रेज कर रही हैं जो कि डेमोक्रेटिक डिमांड्स हो, जो कि लेजिटिमेट डिमांड्स हो, तो फिर दूसरी एथनिसिटीज़ के लोगों को भी ऐसी डिमांड्स को, ठीक है एथनिक कार्ड को नहीं, मगर ऐसी डिमांड्स को इस मकसद के लिए सपोर्ट करना चाहिए कि इसके नतीजे में तमाम ओप्रेस्ड के दरमियान, मज़लूम लोगों के दरमियान, मज़लूम इंसानियत के दरमियान वो ट्रस्ट, वो एतमाद के बॉन्ड्स पैदा हों कि जिसके नतीजे में हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके तो इकट्ठे इस निज़ाम के ख़िलाफ़, सरमायादारी जारीदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है जद्दोजहद कर सकें। तो मैं कतई तौर पर ये नहीं चाहता, और हम बहसीत मज़दूर किसान पार्टी और सारे लेफ्ट का ये मौक़िफ़ है, हम कहीं पे भी ये नहीं चाहते कि जो आम आवाम है, पंजाबी हो, सिंधी हो, सिख हो, शिया हो, सुन्नी हो, बलोच हो, पश्तून हो, जिस भी नेशनैलिटी या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम नहीं चाहते कि आवाम के दरमियान कशीदगी पड़े, आवाम के दरमियान लड़ाई हो। बिल्कुल उलट, हम चाहते हैं कि आवाम के दरमियान भाईचारा पैदा हो, मज़लूम आवाम के दरमियान भाईचारा पैदा हो। कभी कभार भाईचारा पैदा करने के लिए एक भाई को कदम उठाना पड़ता है दूसरे भाई के लिए। एक भाई अगर आपको गाली भी निकाल रहा होता है तो आपको भी अपना दिल बड़ा करके तो कदम उठाना पड़ता है दूसरे भाई के लिए और उसे कहना पड़ता है कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस ज़्यादती को जो है वो ख़त्म किया जाए, ठीक किया जाए, बराबरी की सतह पर, जमहूरियत की सतह पर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठ के काम कर सकें, मज़ीद आगे एक दूसरे की दस्ते बाजू बने, एक दूसरे की ताकत बने, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो हम जाएं। तो मेरा नुक्ता नज़र इस पे बड़ा क्लियर है कि और वो यही है कि हाँ, उन्होंने भी ऐसा रेटरिक इस्तेमाल किया है जिसको मैं नहीं दुरुस्त समझता, मुझे उससे सियासी इख्तलाफ है, मगर ये छः नुकात और जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स उन्होंने रेज़ किए हैं, मैं समझता हूँ ये लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं, और इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। हो सकता है आप पीटीएम की हमायत, मैं आखिरी बात करता हूँ, हो सकता है आप पीटीएम की हमायत करते हो सकता है आप पीटीएम की मुखालफत करते हो। इन आइदर केस मैं समझता हूँ कि इन छः नुकात को अगर आप इम्प्लीमेंट कराएंगे तो हमें फ़ायदा है। अगर आप पीटीएम की हमायत करते हैं छः नुकात, तो ये पीटीएम नहीं रेज़ किए तो आप तो उस पर उन इन नुकात की भी हमायत करेंगे। अगर आप पीटीएम की मुखालफत करते हैं, फ़र्ज़ करें आप पीटीएम की मुखालफत करते हैं, तब भी मैं समझता हूँ ये छः नुकात इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वजह सुनिएगा, वजह ये, इन छः नुकात को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो कशीदगी है, वो जो रेडिकल नैरेटिव आप कह सकते हैं, वो जो पंजाबियों और पश्तूनों के दरमियान जो नफ़रत का माहौल है, वो कम होगा या ज़्यादा होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो कम होगा। इस इन डिमांड्स को इम्प्लीमेंट करने के नतीजे में कॉन्फिडेंस बहाल होगा, ट्रस्ट बहाल होगा, और जो कशीदगी है पंजाबियों के दरमियान और पश्तूनों के दरमियान वो कम होगी। तो अगर आप यही चाहते हैं और आप समझते हैं कि पीटीएम ने इस कशीदगी को पैदा किया है और आप इस कशीदगी को कम कर देखना चाहते हैं, तो फिर व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट दीज सिक्स डिमांड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, जो कि आइन के अंदर हैं, जो कि लेजिटिमेट भी हैं, जो कि डेमोक्रेटिक भी हैं। आप इनको इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर पीटीएम किस बुनियाद पे उन हज़ारों लोगों को इकट्ठा करेगी? ठीक है ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर दें। अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो वो आराम से
घर चले जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ए पॉलिटिकल हो जाएंगे। हमारा मसला ये है, हम जो जब भी कोई तहरीक उभरती है ना, पूरे पाकिस्तान की तारीख को देख लें, मुझे यही नज़र आता है, लेजिटिमेट से लेजिटिमेट तहरीक भी उभरती है ना, मिसाल तौर पर बच्चों के साथ जबरी मशक्क़त करवाई जाती है पाकिस्तान के कई इलाकों के, कारपेट वीविंग फैक्ट्री के अंदर बहुत ऐसे होता है। तो हम वो मसला तो हल करने के लिए तैयार नहीं कि बच्चों की जबरी मशक्क़त को ख़त्म किया जाए। हमें पता है कि भट्टों के अंदर जबरी मशक्क़त होती है, हम वो मसला तो हल करने के लिए तैयार नहीं है, हम उस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। हमें पता है कि औरतों के बहुत सारे के हवाले से जो औरतों के साथ जो सलूक होता है वो कोई इंसाफ वाला सलूक नहीं है, बट वी आर नॉट रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम उसको करने के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये पता है कि एजुकेशन में बहुत बड़ा क्राइसिस है, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम्स हैं, इधर प्रॉब्लम्स हैं, उधर प्रॉब्लम्स हैं, हम इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हल करने के लिए तैयार नहीं। इंस्टेड हमारे पास हल ये है कि जो भी बंदा ये इशू उठाता है ना, अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी हमारा ये फलाना मसला है, मसला हमारा हल करें, अगर टीचर्स कोई मसला उठाते हैं, अगर ट्रेड यूनियंस कोई मज़दूरों का प्रॉब्लम उठाते हैं, अगर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपना रोना रोते हैं, अगर बलोच अपना रोना रोते हैं, अगर बॉन्डेड लेबरर्स निकलते हैं सड़कों पर और कहते हैं कि भाई हमारा मसला हल करो, तो हमारे पास हर चीज़ के लिए एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि जो बंदा वो चीज़ वो इशू उठा रहा है ना, उस पर इल्ज़ाम लगा दो गद्दारी का, उस पर इल्ज़ाम लगा दो कि इसने बाहर से पैसे लिए हैं, और उस तरह से उस मूवमेंट को क्रश कर दो। ये हमने जो है ना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया हुआ है। मसला हल करना नहीं, हमसे होता नहीं मसला हल, वी आर इनकेपिटेंट इनकेपेबल और इनकॉम्पिटेंट, और इफ़ वी आर नॉट वन ऑफ दोज टू तो फिर हम वी डोंट हैव द पॉलिटिकल विल के हम इतने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करें इस मसले को हल करने के लिए। मसला हम हल करते नहीं हैं, इंस्टेड हम मसला इस तरह से हल करते हैं कि जो भी वो मसला उठाता है उसके सर पर डंडा चलाते हैं और फिर कहते हैं देखो जी अब तो अमन आ गया, चैन आ गया। दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, ठीक है ना। इस तरह से अगर चलते रहेंगे हम तो अगर आप लोगों के मसले नहीं हल करेंगे, रियल प्रॉब्लम्स नहीं हल करेंगे, पॉलिटिक्स इज़ एक्चुअली अबाउट दिस। असल में सियासत तो ये चीज़ है ना कि लोग अपने कलेक्टिव प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आप उनको फिर नेगोशिएट करके कुछ चीज़ें हल करते हैं, कुछ चीज़ें आप कहते हैं अभी हल नहीं हो सकती, कोई ना कोई आप बीच में कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकालते हैं, बट हम सोल्यूशन निकालते नहीं। हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन ही है कि डंडा चला दो। और मुझे शक है कि ये जो वाक़या हुआ है ये भी उसी कड़ी की एक उसी चीज़ का उसी पॉलिसी की एक कड़ी है, उसी पॉलिसी का एक तसलसल है कि जो पीटीएम को छोड़ें आप, जो उस इलाके के लोगों ने जो डिमांड्स की हैं वो हम हल करना नहीं कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते। इंस्टेड हमने सोल्यूशन यही निकाला है कि जो लोग जिन लोगों ने उन डिमांड्स को इकट्ठा करके आगे लेकर आए, लोगों को उस बुनियाद पर मोबिलाइज किया, उन पर डंडा चला दें, मसला हल। इट्स नॉट अ सोल्यूशन माई फ्रेंड। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हम कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाएँ आइदर वे। पीटीएम के दोस्त, पश्तून दोस्त भी जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए हम इस मसले को हल करें, और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और सोशल मीडिया के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें भी अगेन 180 डिग्री पर चढ़ के जो है ना वो क्या कहना चाहिए, जिहाद ना लॉन्च कर दें आप, ठीक है ना। नेगोशिएट करके सोल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ का, जो उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको मीट करेंगे, जो इलेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको नहीं मीट करें आप, ठीक है, उनको नहीं हम मीट करेंगे, मगर जो लेजिटिमेट बातें उनको मीट करेंगे। इस तरह से कोई हम नेगोशिएटेड सोल्यूशन निकालें तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो एक बेहतर अमल होगा। मेरी आपसे ही गुजारिश है, थैंक यू सो मच।